हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केक्स एंड कुकीज़ बाय प्रियंका। तो मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एंड जैसा कि दिवाली आ रही है, फेस्टिवल नज़दीक है और सभी लोग, सारे होम बेकर्स अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, चॉकलेट्स के ऑर्डर आ रहे हैं। तो चॉकलेट की ही आज मैं एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसे आप इस दिवाली फेस्टिवल पर बनाएं और सेल करें और बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे आप। तो आज की इस रेसिपी को शुरू करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपना मेजरिंग वेइंग मशीन ले ली है, क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स हम मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही डालने वाले हैं। तो उसके ऊपर मैंने यहाँ पर एक बोल रखा है और बोल का वेट ज़ीरो कर दिया है मैंने। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ 100 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट। जी हाँ, ये वही कोकोनट का बुरादा जो मार्केट में मिलता है, और वो लिया है 100 ग्राम मैंने। और ये नेस्ले का मिल्क मेड लिया है, इसी में अमूल का मिठाई मेड भी आता है जिसे कंडेंस्ड मिल्क कहते हैं, वो लेना है हमें 50 ग्राम्स। और इसके बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं अपना वाइट चॉकलेट गनाश। ये मैंने पहले ही बनाकर रखा था और इसकी वीडियो भी मैं अपलोड करने वाली हूँ अपने चैनल पे। तो बहुत ही टेस्टी ये गनाश बनकर रेडी हुआ था। तो ये वाला वाइट चॉकलेट गनाश भी हम डाल देंगे इसमें 50 ग्राम्स, यानी टोटल हमारी क्वांटिटी हो गई है 200 ग्राम्स। और अब हम यहाँ पर डाल रहे हैं इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस। फ्लेवर के लिए डालें, या आप किसी और फ्लेवर का ट्विस्ट देना चाहते हैं, पाइनएप्पल या स्ट्रॉबेरी, तो आप वो फ्लेवर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने काजू और बादाम को ड्राई रोस्ट करके रखा हुआ है, वो 1 से 2 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी। आप कोई भी क्रश ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद का डाल सकते हैं इसमें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अंदर क्या फ्लेवर देना चाहते हैं। और बस अब इसको अच्छे से हमें कर देना है मिक्स। एक डो टाइप कंसिस्टेंसी हमें बनानी है।